शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए INBCN न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ चुनिंदा दिनों को यदि छोड़ दे तो नागपुर में जुलाई से मानसून बादल अब तक शांत है। बारिश ना होने से उमस का प्रमाण भी बढ़ गया है। विदर्भ के 3 जिले में कम बारिश की वजह से रेड जोन में चले गए हैं। मानसून की सुस्ती से बैकलॉग बढ़ने के आसार, तो वही शहर के नागरिक हुए उमस से हलाकान। कुछ चुनिंदा दिनों को छोड़ दे तो नागपुर में जुलाई में मानसूनी बादल अब तक शांत है। बारिश नहीं होने से उमस का प्रमाण भी बढ़ गया है। विदर्भ के 3 जिले कम बारिश की वजह से रेड जोन में चले गए। वर्तमान में विदर्भ में 269.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि संबंधित अवधि में औसतन 272.6 मिमी बारिश होती है। इससे साफ है कि सप्ताह भर बादल शांत रहे तो विदर्भ में मानसून का बैकलॉग बढ़ने लगेगा। नागपुर शहर में इन मानसून में अब तक के 398.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। 1 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच नागपुर में औसत से 6%, अमरावती में 5%, चंद्रपुर में 3% अधिक बारिश हुई। लेकिन इसके विपरीत गढ़चिरौली में 2%, भंडारा में 2%, वर्धा में 3% कम बारिश हुई। गोंदिया जिले में सामान्य से 28, अकोला में 21%, यवतमाल में 20% कम बारिश हुई है। इसी के साथ ही ये जिले कम बारिश के मामले में रेड जोन में चले गए। वाशिम और बुल्ढाना की स्थिति काफी बेहतर है। यहाँ क्रमशः सामान्य से 36 और 21% अच्छी बारिश हुई है। नागपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर में रह कर बादल के बीच से धूप भी नजर आई। हवा की रफ्तार निम्न स्तर पर होने और आर्द्रता अधिक होने से उमस की भी अनुमति होती रही। शहर का ताप सामान्य से 1 डिग्री अधिक 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का तापमान 24.3 डिग्री पर बना हुआ था।